घाघरा प्रखंड कार्यालय परिसर में सरकारी विद्यालयों के बच्चों की विभाग द्वारा किए जा रहे आधार सुधार का कार्यालय सोमवार को बंद रहा, जिससे दूर दराज से आए स्कूली बच्चों को बेरंग वापस लौटना पड़ा। यह बता दें कि बच्चों के आधार सीडिंग और आधार के सुधार करने को लेकर सर्व शिक्षा अभियान द्वारा सभी प्रखंडों में आधार सुधार के लिए बीपीओ को प्रतिनियुक्त किया गया है, लेकिन सोमवार को आधार सुधार की ऑफिस बंद होने के कारण दिन से स्कूल छोड़ पहुंचे बच्चों को वापस लौटना पड़ा। इससे काफी बच्चे मायूस नजर आए। बच्चों ने कहा कि लगातार वह 2-3 दिनों से आ रहे हैं, लेकिन उनका आधार सुधार का कार्य नहीं हो पा रहा है, जिससे उन्हें काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। गुमला घाघरा से पंकज कुमार की रिपोर्ट। आधार कार्ड बनवाने आए थे तो नहीं बन रहा है, 2-3 दिन से बंद है। किसका आधार कार्ड बनवाने थे? बच्चा लोग का कि अपना? बच्चा लोग का, मेरा भाई का। मेरा भाई का? मधुराम। तुम्हारा क्या नाम है? मेरा पूजा कुमारी। आधार कार्ड बनवाने कब से आ रही है? 2-3 दिन हो जा रहा है। आज क्या होगा? आज बंद है। मेरा नाम सोनी बेग है। हम लोग आधार कार्ड बनवाने आते हैं, शनिवार दिन भी आए थे, लौट के जाना पड़ता है, स्कूल छोड़ छोड़ के रोज दिन आना पड़ता है। तो वहाँ आधार कार्ड जो बनाता है तो नहीं है कि कब लगे? नहीं है। आज नहीं है? नहीं। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।